बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स मीडिया में। मेहराज आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्र जो बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से पीजी की पढ़ाई अपनी कर या पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं, बिहार में जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पीजी परीक्षा में पास करने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं, कितने नंबर का एग्जाम होता है, थियरी कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, थियरी में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, प्रैक्टिकल में कितना नंबर चाहिए, टोटल मेन पेपर जो हमारा होता है वो कौन कौन से होते हैं, कितने पेपर तक एक्स्ट्रा पेपर क्या होता है, कितने साल का कोर्स है, कितने सेमेस्टर होते हैं, एडमिशन कब कब हमें लेना पड़ता है, एग्जामिनेशन फॉर्म हम कब भरते हैं, हमें कितना अटैम्प्ट मिलता है पीजी, जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें एक सेमेस्टर को क्लियर करने में यदि हम अटैम्प्ट पार कर जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जब हम एक या दो पेपर में फेल हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाते हैं, तो उस फेल हुए सब्जेक्ट को क्लियर करने का क्या सिस्टम है, यदि हम एक बार में उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं फिर आय का क्या रास्ता बचता है। मोटा मोटी ए टू जेड जानकारी आपको पीजी की इस वीडियो में बताई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स पहले लिखे हैं ये समझा देते हैं, इसके बाद से हम यहाँ पर लिखेंगे तमाम पेपर्स के नाम, कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन जो सेमेस्टर होता है उसमें किस सेमेस्टर में कौन कौन पेपर होता है, जो एक्स्ट्रा पेपर मैंने आपको बताया कि चार आपको लेने पड़ते हैं, हर सेमेस्टर में एक रहता है, वह एक्स्ट्रा पेपर कौन कौन से होते हैं हम समझ लेंगे पेपर के नाम, उसके बाद से फिर उसको मिटाएंगे, उसके बाद से हम समझेंगे कि जो मार्किंग सिस्टम है पीजी में कितना प्रतिशत नंबर लाने पर हमें क्या मिलता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन नाम का कोई शब्द होता नहीं है, इसमें आपको एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट जो है कि गुड, उसके बाद से एक सबसे लास्ट में फेल आ जाता है। तो कितना नंबर हमें मिल जाता है, तो हम आउटस्टैंडिंग हमें ग्रेड दिया जाता है ए, ए प्लस, ए प्लस प्लस, बी, बी प्लस करके, हम सारी चीजें इसमें समझेंगे तो आप अंतिम क्षण तक बने रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको पीजी से संबंधित जो बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज के जो उलझने चल रही थी, एक ही वीडियो मैंने नहीं देखा यूट्यूब पर जो इस हिसाब से बताई गई है, तो लगभग कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पीजी करेंगे तो बिहार में। हाँ, थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि एग्जामिनेशन का जो होता है ना कि थियरी यहाँ लिए, प्रैक्टिकल वहाँ लिए, तो यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से सेंटर वगैरह और एग्जाम में थोड़ा चेंजेस कर लेती है, प्रैक्टिकल में करे कि मौखिक ले ले, थोड़ा कभी रिटर्न फॉर्मेट में ले ले, असाइनमेंट ही आपसे लिखवा ले, तो वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हाँ लगभग जो चीजें हैं मोटा मोटी हम आज इसमें समझेंगे। ये जो चीजें पूरी समझाई जाएगी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को ध्यान में रखते हुए आपको तमाम चीजें समझाई जाएगी। तो आप देख पा रहे सीबीसीएस हमने यहाँ पर लिख दिया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। 2018 से 20 में जब पीजी में बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ था तो उस वक्त 1600 पेपर के जगह 2000 पेपर कर दिया गया, मतलब कि इससे पहले, इस सेशन से पहले जो पीजी में जो 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 1600 पेपर का एग्जाम देना पड़ता था, लेकिन जैसे ही सीबीसीएसआई हर एक सेमेस्टर में एक पेपर और ऐड कर दिया, यानी 4 सेमेस्टर होता है तो उसमें हर एक में एक एक पेपर ऐड करने से लगभग टोटल 20 पेपर हो गया, तो 16 आपका मेन पेपर और 4 एक्स्ट्रा जिसके हम नाम आगे बताएंगे आपको, मेन पेपर वही जिससे आप पीजी करते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि पीजी 2 साल का कोर्स होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख पा रहे 4 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का एग्जाम 6 महीने पर यूनिवर्सिटी को लेना होता है, उसके बाद से हम देखें यहाँ पर टोटल मार्क्स, तो 2000 नंबर का आप एग्जाम होता है टोटल 2000, जिसमें से आपको 1600 मेन पेपर होता है जो आपका ऑनर्स होता है जिससे आप पीजी करते हैं, या कभी कभी होता है कि आप सब्सिडरी से भी पीजी करते हैं, तो जिससे आप पीजी करते हैं वही आपको 1600 नंबर का पढ़ना पड़ता है 2 सालों में। ये 400 मार्क्स है, ये 4 एक्स्ट्रा पेपर है, आगे बात करेंगे, ये क्वालिफाइंग पेपर मान करके चलिए, क्योंकि इसमें सिर्फ पास करना जरूरी होता है, जो मार्क्स हम मार्क्स जो बनता है आपको उसमें कैसे जीएस का पार्ट 3 में होता है कि सिर्फ पास करना पड़ता है, बाकी उसका नंबर ऐड नहीं होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसी है, क्वालिफाई पेपर है, आपको पास करना होगा, इसमें नंबर ऐड इसका नहीं किया जाता है। चलिए ये हो गई, उसके बाद से आप देखें तो पीजी में एडमिशन फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में होता है, मतलब कि 4 सेमेस्टर हुआ तो एडमिशन जो होता है स्नातक में कैसे हुआ कि पार्ट 1 में आपने एडमिशन लिया, उसके बाद से जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का टाइम हुआ आया फिर आपने फॉर्म फिलअप किया, फिर फर्स्ट आपने एग्जाम दिया पार्ट 1 का, फिर सेकेंड जो है कि ईयर में गए तो वहां पर फिर हम एडमिशन लिए और फिर एग्जाम दिए, पास हुए, फिर थर्ड में गए तो फिर वहां पर हम एडमिशन लिए और एग्जाम दिए, इस तरीके से हम पास हो गए। तो 4 सेमेस्टर में जब आप हर सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं तो परीक्षा फॉर्म तो हर सेमेस्टर में फिलअप करना ही होगा, लेकिन एडमिशन आपको 2 बार करवाना होगा,
फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन पीजी में अप्लाई करते हैं, बिहार में ऐसी होता है, इंट्रेंस तो होता नहीं अभी फिलहाल, तो आप अप्लाई करते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो उस वक्त आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, उसके बाद आप उसका फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, तब आप पास करते हैं और सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका एडमिशन हो जाता है, उसी एडमिशन पर आप सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम देते हैं। जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेना पड़ता है और परीक्षा फॉर्म फिलअप करनी पड़ती है एग्जाम के टाइम, और उसी एडमिशन पर फर्स्ट सेमेस्टर का भी आप एग्जाम देते हैं। मतलब कि दो साल का कोर्स पीजी, चार सेमेस्टर है, इसमें दो बार हमको एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, चार बार परीक्षा फॉर्म भरना है क्योंकि चार सेमेस्टर है और चारों का एग्जाम देना है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से सभी मेन थियोरी पेपर 70 मार्क्स का होता है एवं इसमें पास करने के लिए हर पेपर में 45% जो है कि आपको अंक लाने पड़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान सुनिएगा क्योंकि ग्रेजुएशन में दूसरे हिसाब से होता है, यहाँ पर पीजी में आने के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो यू कि आप देख पा रहे हैं पीजी में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी मेन पेपर थियरी, मैंने यहाँ पर थियरी इसलिए लिखा है कि थियरी पेपर का ही हम यहाँ पर नाम ऐड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वाले का नहीं। जैसे कि यदि हम साइंस में देखें तो मैथ ही है जिसमें फुल्ली थियरी है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट कौन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब है। तो जब भी हम थियरी की बात करेंगे तो समझिए कि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। आर्ट्स में भी देख लीजिए, कॉमर्स में भी देख लीजिए, हम आगे बात करेंगे कि यदि आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट से पीजी करते हैं तो कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि आप साइकोलॉजी से यदि ग्रेजुएशन करते हैं तो कैसे होता है कि पेपर 8 पार्ट 3 में जाकर के पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, ऐसा इसमें भी है। हर सेमेस्टर में एक ऐसा पेपर होता है जो 100 नंबर फुल्ली प्रैक्टिकल या हम वाइवा कहेंगे वो होता है, लेकिन किसमें, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और उस सब्जेक्ट से हम पीजी करते हैं। तो एकदम गौर से सुनते जाएगा, यदि वो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है, मान लेते हैं कि वो हिस्ट्री होगा आपका, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं, साइंस में मैथ हो सकता है, तो 70 नंबर का आप देख पा रहे हैं 70 मार्क्स का होता है थियरी। हर सेमेस्टर में हर पेपर में वाइवा होता है, हर पेपर में, ग्रेजुएशन की तरह नहीं है कि हाँ यदि मैथ हमारा है तो मैथ में नहीं होगा, मैथ हमारा ऑनर्स है तो, और सब्सिडरी फिजिक्स केमिस्ट्री है तो उसमें प्रैक्टिकल होगा। पीजी में ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे कम से कम 30 नंबर का हर पेपर में प्रैक्टिकल या हम जिसे वाइवा कहेंगे वो होता ही है, और उसका आपको बाद में एग्जाम देना पड़ता है, असाइनमेंट भी लिख करके जमा करना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सभी मेन पेपर जो कि 70 नंबर का होता है और इसमें पास करने के लिए 45% मार्क्स चाहिए, हर पेपर में आपको 45% चाहिए। ग्रेजुएशन में ऑनर्स में क्या होता है कि यदि आप 90 नंबर लाना होता है पार्ट वन में और पार्ट टू में, तो किसी में 40 नंबर, किसी में 50 नंबर, मतलब कि इसमें 40% पेपर वन में और पेपर टू में 50% आ गया, तो दोनों मिला करके हम 90 नंबर लिया तो 45% यहाँ पर हो गया, तो बात बन गई। पीजी में ऐसा नहीं होता है, हर एक पेपर में आपको 45 नंबर लाना ही होगा, यदि उसमें नहीं लाते हैं तो आप फेल माने जाते हैं उस पर्टिकुलर पेपर में। तो ध्यान रखिएगा कि हर एक पेपर में 45% नंबर चाहिए तो चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद से जो एक्स्ट्रा पेपर, जो मैंने आपको बताया कि हर सेमेस्टर में एक पेपर एक्स्ट्रा होता है, उसका भी पास मार्क्स इसमें दिया हुआ है, उसको भी हम समझेंगे। तो 70 वाली बात हो गई, अब तो ये तो परसेंटेज वाली बात होगी, 45% अंक, लेकिन इसको है फीसदी को यदि हम नंबर में जोड़ते हैं कि 70 में से 45% 70 का कितना नंबर होगा, तो नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि थियरी मेन पेपर 70 में पास करने के लिए 31.5 नंबर, 70 का 45% 31.5 नंबर होता है कि आपको 70 में, मतलब कि 31.5 है 32 नंबर मान के चलिए ना, लेकिन हाँ पासिंग मार्क्स 45% यही है, 31.5 नंबर भी आता है तो आप 45% में आ गए और आप पास हो जाते हैं। अच्छा, जो 30 मार्क्स का जो मैंने कहा आपको प्रैक्टिकल या वाइवा होता है हर पेपर में, हर पेपर में मेन पेपर की बात हो रही है, वो एक्स्ट्रा वाला की बात नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा वाला की बात हम नीचे करेंगे, उसका पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया अलग है, यहाँ पर मेन पेपर की बात हो रही है। तो जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल या वाइवा होता है उसमें यदि हम, उसमें भी 45% नंबर लाना पड़ता है, 45% उसका जो है कि 13.5 नंबर हो रहा है, 30 का 13.5 नंबर 45% अंक हुआ। तो 30 नंबर जो प्रैक्टिकल या वाइवा होता है उसमें आपको कम से कम कितना चाहिए, 13.5 नंबर। अब यहाँ पर आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा पेपर है जिसे हम क्वालिफाइंग पेपर कहेंगे, क्वालिफाइंग पेपर 100 में पास करने के लिए 33% अंक लाना होता है, समझ रहे हैं, 1600 मेन पेपर 400 एक्स्ट्रा वाला क्वालिफाइंग, यह है आपका क्वालिफाइंग। तो इतना आप समझ गए। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं अधिकतम 2 पेपर में फेल होने पर प्रमोट कर दिया जाता है।
पार्ट वन पार्ट टू में कैसे होता है कि कुछ पेपर में आप फेल हो गए, फिर भी आपको पार्ट टू में भेज दिया गया, पार्ट टू का एग्जाम दीजिए और जो आप फेल पेपर आपका है उसका अपने से बैक सेशन वाले के साथ एग्जाम दे करके उसको पास हो जाइए, बात खत्म। यहाँ पर भी वैसे है कि अधिकतम आप दो पेपर में पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाते हैं, जो कि 45% है हर पेपर के लिए, क्वालिफाइंग पेपर ये वाला 33%, इसको छोड़ा करके, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। तो उसमें दो पेपर, अधिकतम दो पेपर में आप फेल होते हैं, तो आप जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में आप दो पेपर मान लेते हैं कि आप फेल हो गए, तो आपको थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने दिया जाएगा, लेकिन कहा जाएगा कि आप इसको क्लियर कीजिए अपने से जूनियर वाले के साथ। ध्यान है अधिकतम दो पेपर। उसके बाद से फेल होने पर दो अटेम्प्ट मिलता है। कंडीशन में होता है कि आपको तीन अटेम्प्ट मिलता है। मान लेते हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए, पूरा फेल हो गए, तो अपने से जूनियर वाले के साथ फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए। इसमें दो ही बार होता है कि एक तो अपने सेशन के साथ आपने एग्जाम दिया, एक अटेम्प्ट खत्म, फिर अपने से जूनियर वाले के साथ आप एग्जाम दिए, ये दूसरा अटेम्प्ट हुआ, तो दो ही अटेम्प्ट मिलता है पीजी में। उसके बाद से एडमिशन कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिक। आपको अब एक बार अटेम्प्ट खत्म होने पर फर्स्ट सेमेस्टर में री एडमिशन हो जाता है ऑटोमेटिक। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करते गए, सेकेंड भी क्लियर कर लिए, थर्ड में जा करके आप दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट में फेल हो गए जिसके कारण आपका रिजल्ट प्रमोट हुआ, तो एक अटेम्प्ट आपका हो गया। अब अपने से जूनियर वाले के साथ, जो आपका जूनियर था उसके साथ फेल हुए सब्जेक्ट का फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया, पास हो गए तो ठीक है, अगर गड़बड़ा गया दूसरा चांस, तो आपका फिर फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुआ कोई काम का नहीं, सेकेंड सेमेस्टर किसी काम का नहीं, जो थर्ड सेमेस्टर में आपने मिस्टेक किया वो डायरेक्ट आप आ जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका री एडमिशन उसी डिपार्टमेंट में या उसी कॉलेज में आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इतना आप समझ गए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम यहाँ पर लिखते हैं पेपर के नाम, जो मेन पेपर है उसको किस नाम से जाना जाता है रूटीन में, और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा आपका क्वालिफाइंग पेपर है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आइए हम समझते हैं यहाँ पर जो चार सेमेस्टर होते हैं, हर एक सेमेस्टर में कितना पेपर होता है और जो एक्स्ट्रा पेपर होता है उसका क्या नाम होता है। हर सेमेस्टर में एक एक एक्स्ट्रा पेपर है, आप देख पा रहे हैं क्या इसमें चॉइसेस भी होती है। उसके बाद सभी पेपर का नाम जानने के बाद आप देख पा रहे हैं ये मार्किंग सिस्टम है कि पीजी में जो रिजल्ट आपका बनता है वह किस तरीके से बनता है और कितना प्रतिशत आपको नंबर आता है तो कितना ग्रेड मिलता है। उसके बाद से लेटर ग्रेड में कौन से लेटर आपको दिए जाते हैं, अलग अलग ग्रेड है आप देख पा रहे हैं 7 प्रकार के। उसके बाद से जो आपकी पीजी की डिग्री होती है कितना प्रतिशत नंबर आया है, उस प्रतिशत को किस अंग्रेजी के शब्द से पुकारा जाएगा वह यहीं पर डिसाइड होता है। अब देख पा रहे हैं 7 तरीके का यहाँ पर वर्ड है, आउटस्टैंडिंग, एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पास और लास्ट में फेल है। तो ये आपका मार्किंग स्कीम है। पहले हम इसको नहीं समझेंगे, पहले हम यहाँ पर सेमेस्टर समझते हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख पा रहे हैं CC1, CC2, CC3 यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम 3 कर देते हैं, आप देख पाए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो CC3 और CC4। ऑनर्स में पार्ट 3 में कैसे होता है कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, 6, 7, 8 तक 800 नंबर का 3 साल में पढ़ना होता है। वैसे ही पीजी में अप्लाई करना है, बस यहाँ सीसी लेना है, वहां पर पेपर वाइज हम लोग देख रहे थे। तो आप देख पा रहे हैं 4 पेपर आपको अपने मेन पेपर का जिससे आप पीजी करते हैं वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। CC4 में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पी लिख दिया है, इसलिए क्योंकि यदि आप वैसे सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है तो CC4 जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। यदि थियरी हुआ तो फिर कोई बात नहीं, सभी में 70-70 नंबर का थियरी होगा और 30 नंबर का असाइनमेंट वगैरह हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स हो, आपका बोटनी हो, जुलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स हो, म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट है और भी है जिसमें जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है यदि उससे आप यूजी करते हैं तो CC4 होता है 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद AECC1 जो मैंने आपको कहा ना कि हर सेमेस्टर में आपको एक एक्स्ट्रा पेपर पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में AECC1 आपको पढ़ना होता है, एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आप देखिएगा तो क्या पढ़ना रहता है, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटी, बिहार के कुछ यूनिवर्सिटीज में दोनों को मिला करके एक ही पेपर बनाया गया है 100 नंबर का, कुछ में हो सकता है कि दोनों आपको अलग अलग देखने को मिले। इसके लिए बेस्ट है कि गेस्ट पेपर किसी पब्लिकेशन का ये वाला ले लीजिएगा AECC1 का, पूरा समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप देख पा रहे फर्स्ट सेमेस्टर में ये हुआ आपका पेपर डिजाइन,
चार वो आपका मेन पेपर और एक ये, पांच इसमें हो गया। अब सेकेंड सेमेस्टर में आइए, सेकेंड में CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, फिर मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। वही रूल देखना है यहाँ पर कि प्रैक्टिकल वाला होगा तो CC9 भी फुल्ली प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा तो, नहीं होगा तो CC9 हमारा थियरी होगा, थियरी वाला अगर सब्जेक्ट होगा तो बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें आपका मेन पेपर चार गो हुआ, इसमें आपका मेन पेपर पांच हो जा रहा है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पेपर होता है वो आपका AEC होता है। आप देख पा रहे हैं AEC 1 एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, आप देख पा रहे हैं इसमें कंप्यूटर एंड ICT, यौगिक साइंस और कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है कि योगा स्टडीज भी पढ़ाई जाती है, ये दोनों अलग अलग है। इसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर में चॉइस करने का मौका मिलता है कि आप ये वाला लेना चाहते हैं या ये वाला, आप चॉइस कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं पांच मेन पेपर हो गया आपको सेकेंड सेमेस्टर में और एक आपका ये वाला एक्स्ट्रा। अब थर्ड में आ जाइए, फिर 9th तक हमने यहाँ पर लिया सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड में आप आए तो CC10, 11, 12, 13 और 14 आप देख पा रहे हैं, फिर से मैंने यहाँ पर पी लिख दिया है, वही चीज कि फुल्ली प्रैक्टिकल होगा यदि हम प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट से पीजी कर रहे होंगे तो। उसके बाद से जो एक एक्स्ट्रा होता है AECC2, फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि AECC ये 1 है और यहाँ पर 2 पढ़ना होता है, बात वह बराबर ही है। उसके बाद से जो एक्स्ट्रा पेपर होता है वो ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये आपका एक्स्ट्रा पेपर हो जाता है, गेस पेपर ले लीजिएगा, इसको पूरा समझ में आ जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा समझिए क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में सारा रिसर्च बेस पर होता है और आपका जो है टॉपिक आपको चूज करके दिया जाता है चार पांच, थोड़ा आप समझिए। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे हम आते हैं तो ये CC वाला जबेला खत्म, AC 01, AC आप देख पा रहे हैं 02, ये दो ही मेन पेपर होता है, दो ही, वन से लेकर के CC 1 से लेकर के CC 14 तक हम तीनों सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो AC 1 और AC 2 पढ़ना होता है और ये 16 पेपर हमारा हो जाता है। AC 1 में थियरी सिलेक्शन, जब आप परीक्षा फॉर्म भरते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का तो उस वक्त आपको डिसाइड कर लेना होता है कि हमें किसका एग्जाम देना है। जैसे कि आप केमिस्ट्री से पीजी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में भी कई प्रकार होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक ये उसका उदाहरण है। मोटा मोटी जो आपका सब्जेक्ट होता है पूरा एक सब्जेक्ट है, उसमें से 4 से 5 चैप्टर आपको जो आपका डिपार्टमेंट होता है उसके तरफ से ऑफर किए जाते हैं, उसमें से कोई एक आपका जो है कि आप एक चैप्टर चूज कर लेते हैं कि हमें इस पर रिसर्च करना है या इसके बारे में हमको पढ़नी है। किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर कोई एक चैप्टर या कोई एक टॉपिक आपको लास्ट में ये करना पड़ता है, तो 4 या 5 टॉपिक आपको अपने डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी से दी जाती है, उसमें से कोई एक आपको जो है कि चूज करना होता है और उसका आपको एग्जाम देना होता है। उसके बाद से EC2 एक आता है असाइनमेंट थेसिस, आप देख पा रहे ये EC2 पूरा असाइनमेंट होता है, इसे हम थेसिस भी कहेंगे। इसका आपका पूरा असाइनमेंट ही लिख करके आपको अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। कुछ मामलों में इसमें जो है कि आपको बुलाया भी जाता है, आपसे वाइवा जो कि है इंटरव्यू वगैरह भी आपसे लिया जाता है। इस बेस में एकदम कन्फर्मेशन के लिए आप अपने यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट से थोड़ा पता कर लीजिए कि हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा जो है कि आपको, मैंने कहा ना कि ओवरऑल में सब चीज़ ठीक है लेकिन थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं चांसेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे इसमें पूरा असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ता है, ये सबमिट कब करना पड़ता है यूनिवर्सिटी डेट निकालती है, तो ये हो गई। उसके बाद से आपको जो एक्स्ट्रा पेपर है ह्यूमन राइट्स, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है और यह रहा आपका ओवरऑल जो पीजी का आपका सिलेबस है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर देख लीजिए रिजल्ट जो आपका बनता है आपका, यदि हम ये फर्स्ट सेमेस्टर का हम लेकर के चल रहे हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर भी समझ सकते हैं। यदि आपका ओवरऑल परसेंटेज नंबर का मेन पेपर वाला 90 से 100% के बीच के रेंज में आ रहा है, मान लीजिए आप 99% लिया है, 98% लिया है, तो आपको लेटर ग्रेड में वो मिलता है। आप देख पा रहे हैं इसके लिए 10 क्रेडिट होता है, उसके बाद से आपका रिजल्ट कहलाता है आउटस्टैंडिंग। आप यहाँ पर मोटा मोटी ये 3 चीजें लेकर के चलिए, सारा जो है कि वह क्रेडिट है। उसके बाद से यदि आपका नंबर जो है 80 से 89% के बीच में होता है तो आपको A++ आपको ग्रेड मिलता है, 9 क्रेडिट मिलता है और आपका रिजल्ट कहलाता है एक्सीलेंट, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन नहीं, यहाँ पर आप देख पा रहे। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि A+ आता है
और इतना प्रतिशत हमारा नंबर आता है तो हमें A+ मिलता है, इतना क्रेडिट मिलता है और हमारा रिजल्ट कहलाता है वेरी गुड। इस तरीके से 60 से 69% के बीच का आप देख सकते हैं गुड कहलाता है, 50 से 59% के बीच में आप देख पा रहे हैं एवरेज कहलाता है, उसके बाद से 45 से 49 के बीच में प्रतिशत आपका रिजल्ट का बनता है तो आप पास कहलाते हैं, और 45% से कम आपका आता है तो 5 से भी कम क्रेडिट मिलता है और एफ मिलता है आपको, फेल यानी आपका रिजल्ट फेल होता है। तो अब ये पूरी चीज आप समझ सके होंगे कि यूनिवर्सिटीज में जो है बिहार के, ये मैंने CBCS 18-20 लिखा है तो ये मत समझिए कि हाँ ये किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, नहीं, 18-20 से ये सिस्टम बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज में लागू की गई थी। राजभवन से कोर्स डिजाइन होता है हर एक स्टेट के राजभवन से उस पर्टिकुलर स्टेट के तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए, तो जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज बिहार में है ये सब पे लागू होता है, ये सब के लिए सेम है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बिजी में जो तमाम कन्फ्यूजन थे आपके, जो सवाल भी रहे होंगे वो सभी दूर हो गए होंगे, कुछ और सवाल आपके बचते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, उस पर भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।